हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन। फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे यार, और आप सबकी MHT-CET की एग्जाम बहुत ही बढ़िया गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले MHT-CET 2020 के हर शिफ्ट के पेपर एनालिसिस। ठीक है, क्यों, कौन सी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था, कौन सी शिफ्ट का पेपर आसान था। अगर पेपर डिफिकल्ट था तो आपके परसेंटेज ज़्यादा बनेंगे यार। ठीक है, अगर आपके नंबर कम भी आ रहे तो भी आपके परसेंटेज ज़्यादा बनेंगे। और अगर उसी जगह आपका पेपर इजी आया था और आपके नंबर ज़्यादा भी आए तो भी आपके कम परसेंटेज बन सकते यार। ओके, तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। अभी शुरू करते हैं हम पेपर एनालिसिस यार। उससे पहले एक चीज़, अभी अभी आपके MHT-CET की एग्जाम खत्म हुई यार, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है उन सब से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। इंफॉर्मेशन मतलब कॉलेज के प्लेसमेंट, कट ऑफ, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी यार, इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोज डाल भी रखे हैं और आगे डालने भी वाला हूँ। महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है सब कवर होने वाले। ओके, तो ये हो गई यार बात। दूसरी चीज़ यार, कैप्स राउंड से रिलेटेड आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से राउंड्स होते हैं, एडिशनल राउंड क्या होता है। ठीक है, अभी आपका 50% काम हो गया यार, आपने पढ़ाई की, एग्जाम दी, ये हो गया 50% काम। लेकिन आप कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करते हो वो आपका 50% काम अभी भी बचा है यार। ठीक है, आपको इस चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियोज डालता रहता हूँ यार, तो आप टच में रहो। ठीक है, अभी बैक टू द पॉइंट आते हैं यार कि हम एनालिसिस करेंगे हम हर शिफ्ट की। अब बात करते हैं, मैंने कुछ शिफ्ट के एनालिसिस पहले भी कर रखी है यार, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ओके, तो अभी कुछ शिफ्ट्स बच गए थे उन, तो उनकी बात करते। ठीक है, मैंने PCB के शिफ्ट्स नहीं डिस्कस किए थे तो उनकी बात अभी कर लेते। तो देखो यार, 1 अक्टूबर का पेपर, अगर मैं 1 अक्टूबर की बात करूँ तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर बहुत ही आसान आया था यार। मतलब कि आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा एक अच्छी परसेंटाइल लाने के लिए। तो अगर आपका स्कोर 155 प्लस आता है तो आपकी परसेंटाइल बहुत ही अच्छी आएगी यार, 99 प्लस परसेंटाइल आपकी आएगी ही आएगी। ठीक है, उसी जगह मैं अगर आफ्टरनून शिफ्ट की बात करूँ तो यार आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर मॉडरेट था यार। ठीक है, मॉडरेट था मतलब आपको स्कोर थोड़ा कम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू ईजी। ठीक है, अगर आपका स्कोर 150 भी आता है तो भी आपके 99 परसेंटाइल आराम से बन जाएंगे। ओके, ये हो गई 1 अक्टूबर की बात यार। अभी 2 अक्टूबर की बात करते हैं। 2 अक्टूबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर यार इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था मतलब आपको स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा, इजी था इसीलिए। ठीक है, अगर आपका स्कोर 155 या 160 आता है तो आपकी परसेंटाइल ज़्यादा आएगी यार। ठीक है, 99 प्लस आपका आ सकता है स्कोर। उसी जगह आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर बहुत ही डिफिकल्ट था यार, बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब PCB के सबसे डिफिकल्ट पेपर में से वो एक था। ठीक है, तो आपको इसमें स्कोर कम करना पड़ेगा यार, अगर आपका स्कोर 140 भी आता है तो भी आपके 99 क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई अक्टूबर 1 और अक्टूबर 2 की बात। और अक्टूबर 4 की बात करूँ तो यार मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर बहुत ही मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था मतलब आपको 150 अगर आपके नंबर आते तो आपके 99 परसेंटाइल आराम से आएंगे। ठीक है, और आफ्टरनून शिफ्ट के पेपर की बात करूँ तो यार बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान, मतलब सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैच हुए थे इस पेपर में। तो इस पेपर में आपको स्कोर 160 से अब लाना पड़ेगा तो आपके 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर जाएगा। ठीक है, ये हो गई यार बात 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर की। अभी 5 अक्टूबर की बात करते हैं यार। उससे पहले एक चीज़, जैसा कि आपको पता है NCERT कितना यूजफुल है नीट के एग्जाम के लिए। ठीक है, नीट के एग्जाम क्रैक करने के लिए NCERT एक भगवद गीता की तरह है यार। ठीक है, जो आपको रटनी ही पड़ती है। ठीक है, और इसी विषय पर आनंद बानी सर, जिनको आप सब जानते होंगे यार, वो बात करने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली NCERT बायोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नीट के एग्ज़ाम में। ओके, और आनंद सर उसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, 3 घंटे का उनका मेगा मैराथन है यार, आप ज्वाइन करो उसे। ओके, आपको UNACADEMY पे वो देखने को मिलेगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको सिर्फ लिंक पे प्रेस करना है, आप उस जगह पहुंच जाओगे। ठीक है, और पर्सनली मैं जानता हूँ यार आनंद मानी सर को, बहुत मतलब बहुत रेपुटेशन है यार उनकी। ओके, और बहुत अच्छे से समझाते हैं उनको, मतलब अगर कोई मैथ्स का बंदा भी उनको देख लेना तो एक मोटिवेशन फील होता है यार। ओके, तो मैं चाहता हूँ यार आप इस चीज़ का अनुभव ले यार। ओके, बहुत अच्छे से, मतलब 3 घंटे आपके मतलब बेस्ट टाइम रहेगा आपका। ओके, अगर आपके कोई रिलेटिव्स होंगे यार जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ओके, नेक्स्ट साल नीट देने वाले होंगे, तो उनको ज़रूर बोले यार कि ये सेशन अटेंड करें। ओके, बिल्कुल फ्री है यार, आपको एक पैसा तक नहीं देना। ओके, सिर्फ आपको लिंक को प्रेस करना है, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो अभी बैक टू द पॉइंट आते यार। तो अभी 5 अक्टूबर की बात करते हैं यार। 5 अक्टूबर का मॉर्निंग शिफ्ट की पेपर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत आसान था यार, आसान था मतलब आपको स्कोर 160 के अबो लाना है। वही जगह आफ्टरनून शिफ्ट की बात करूँ तो पेपर डिफिकल्ट था यार, डिफिकल्ट था मतलब अगर आपके 140 नंबर आते तो भी आपका स्कोर बहुत बेस्ट आएगा। ओके,
अभी 6 अक्टूबर की बात करते हैं, 6 अक्टूबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मीडियम मॉडरेट था यार, और आफ्टरनून शिफ्ट का भी पेपर मॉडरेट था। मतलब आपके अगर 150 के आसपास नंबर आते तो आपके 99% बन जाएंगे, अगर आपके 100 के आसपास नंबर आते तो आपके 97-98% आराम से बन जाएंगे। ओके, ये हो गई 6 अक्टूबर की। यार 7 अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आसान था और आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का आसान था, मतलब आपको 155 स्कोर करना है अच्छे परसेंटाइल के लिए, 99 से अबो के लिए, और आफ्टरनून शिफ्ट का आपका बेस्ट स्कोर रहेगा 140। ओके, अभी बात करते हैं 8 अक्टूबर की। यार 8 अक्टूबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आपका बहुत ही आसान था, बहुत आसान था मतलब थेरोटिकल पेपर था यार, थेरोटिकल पेपर था मतलब बहुत बच्चों ने स्कोर किया होगा। ठीक है, अच्छा स्कोर किया होगा, अच्छा स्कोर किया होगा मतलब आपको 160 से अबो स्कोर करना है, तभी आपकी एक अच्छी परसेंटाइल बनेगी। ओके, और उसी जगह आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर की बात करूँ तो डिफिकल्ट था यार, अगर आपके 140 भी नंबर आते तो भी आपके 99 से अबो परसेंटाइल निकल जाएंगे, अगर आपके 70-80 नंबर आते तो भी आपके 98 से ऊपर आएंगे। ठीक है, तो ये बात दिमाग में बिठा लो यार कि सब खेल डिफिकल्टी लेवल का होता है। ओके, आज मैं इतने ही पेपर डिस्कस करूँगा, जो कुछ बच गए यार 9 अक्टूबर का और PCM के कुछ पेपर बच गए उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ये सब चीज़ें थी यार आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस चैनल से। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं अभी चीज़ों को। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार। मेरे को आज तक जितने भी कमेंट्स आए मैंने मैक्स टू मैक्स 99% कमेंट्स का जवाब दिया है, DMs का जवाब दिया है, तो आप मुझे बेशक पूछ सकते हो, कितना भी सिली डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं चीज़ों को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब